खबर शामिल करते हैं सियालकोट से। मिट्टू सलेरे की रिपोर्ट के मुताबिक बुनियाद स्कूल सिस्टम एंड कॉलेज का सालाना रिजल्ट तकसीम इनामत प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। हर साल की तरह इस साल भी बुनियाद स्कूल सिस्टम एंड कॉलेज का सालाना रिजल्ट तकसीम इनामत के मुख्तलिफ प्रोग्रामों का इनेकाद किया गया है, जिसमें स्कूल के प्रिंसिपल मर्द खवातीन और हजरात ने शिरकत की। बच्चों ने प्रोग्राम में मुख्तलिफ टैबलोस पेश करके वालदैन और साथ से खूब दाद वसूल की। स्कूल वाइस प्रिंसिपल साजिद हुसैन ने वालदैन और बच्चों से खिताब करते हुए कहा है कि इस इलाके में हमारे स्कूल के बच्चे हर साल पोजीशन हासिल करके स्कूल और साजा का नाम रोशन करते हैं, जिस पर हमें पोजीशन हासिल करने वाले बच्चों पर फख्र है। सालाना रिजल्ट में राना बेदार हुसैन मंच, असिस्टेंट सेक्रेटरी बुनियाद फाउंडेशन नदीम अहमद चट्ठा, मैडम सबा फील्ड ऑफिसर बुनियाद फाउंडेशन, स्कूल प्रिंसिपल फरजाना हुसैन बुखारी और वाइस प्रिंसिपल साजिद हुसैन ने खसूसी शिरकत की। प्रोग्राम के आखिर में अच्छी कारकर्दगी दिखाने वाले बच्चों में शील्ड्स भी दी गई और आने वाले चीफ गेस्ट को भी शील्ड दी गई और मेहमानों के लिए तवाज़े का अहतमाम भी किया गया। ऐसे रिपोर्ट कर रहे हैं ब्यूरो चीफ नज़ीर अहमद कुरैशी। खुले समुंदर में माहीगीरों की कश्ती डूब गई। मोड़ो क्रैक के करीब डूबने वाली कश्ती में 50 माहीगीर सवार थे। कश्ती इब्राहिम हैदरी से मुर्गी के फीड के लिए इस्तेमाल होने वाली मछली के शिकार पर रवाना हुई थी। हजा मोड़ो क्रैक कराची और ठट्ठा का दरमियानी इलाका है। कराची से कश्ती डूबने का मुकाम 5 घंटे की मुसाफत पर है। मुमकिन तौर पर माल से लदी कश्ती को तेज़ हवाओं की वजह से हादसा पेश आया। माहीगीर अपनी मदद आप के तहत डूबने वाले माहीगीरों को तलाश कर रहे हैं। हजा मोड़ के करीब डूबने वाले लॉन्च पर सवार तमाम माहीगीरों को रेस्क्यू कर लिया गया। लॉन्च कतरे छोटी मछली के शिकार पर इब्राहिम हैदरी से रवाना हुई थी। कश्ती के नाखुदा हामों की गलत सिमत पर जाल फेंक कर शिकार के दौरान वाकया रूनमा हुआ। तेज हवाओं के सबब बुलंद लहरों ने आल असद नामी कश्ती उलट दी। पानी में गिरने वाले माहीगीरों को मामूली चोटें खराशें आई हैं। चेयरमैन को ऑपरेटिव सोसाइटी का अमला मौके पर मौजूद है। नासिर बुनेरी सिक्योरिटी इंचार्ज फिशरमैन को ऑपरेटिव सोसाइटी। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए बुलेटिन में खबर शामिल करते हैं फाजिलपुर से। हमारे ब्यूरो चीफ शौकत लाशारी की रिपोर्ट के मुताबिक राजनपुर वज़ीर-ए-आला पंजाब के तहत निगबान रमज़ान पैकेज के तहत डेरा गाजी खान डिवीज़न में खुश्क राशन की तकसीम शुरू कर दी गई है। पैकेज से डिवीज़न के रजिस्टर्ड 75,401 नादार खानदान मुस्तफीद होंगे। पैकेज से डिवीज़न के रजिस्टर 7,54,401 नादार खानदान मुस्तफीद होंगे। कमिश्नर डॉक्टर नासिर महमूद बशीर ने मयार और शफाफियत बरकरार रखने के लिए टीमें तश्कील दे दी। वीडियो लिंक इजलास की सदारत करते हुए कमिश्नर डॉक्टर नासिर महमूद बशीर ने कहा है कि मुस्तक खानदानों की दहलीज तक इनका हक पहुँचाया जाएगा। अक्सरियत मुस्तक खानदानों की तस्दीक का अमल मुकम्मल कर लिया गया है। बेनजी इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में रजिस्टर खानदानों की दोबारा तस्दीक कराई जा रही है। घरों के पते मोबाइल नंबर तब्दील होने पर मुश्किलात पेश आईं, ताहम टीमों ने मसदी से काम किया। कमिश्नर डीजी खान ने कहा कि मुस्तक खानदान वस्प में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर ऑन रखें। खुश्क राशन की वसूली के लिए असल कौमी शनाख्ती कार्ड मौजूद होना चाहिए। राशन बैग्स पर QR कोड शनाख्ती कार्ड से स्कैन कराया जाएगा। कमिश्नर डॉक्टर नासिर महमूद बशीर ने कहा है कि गाजी खान 2,02,653 खानदान निगबान रमज़ान पैकेज से मुस्तफीद हो गए। इसी तरह ज़िला लैया 1,18,710, ज़िला मुजफ्फरगढ़ के 2,61,330, ज़िला कद्दू के 43,406 और ज़िला राजनपुर 1,28,302 खानदानों को रमज़ान पैकेज के तहत राशन मिलेगा। कमिश्नर डॉक्टर नासिर महमूद बशीर ने कहा है कि हर ज़िला में वेयर हाउसेज और फोकल पर्सनस मुकर्रर कर दिए गए हैं। खुश्क राशन की शफाफ अंदाज तरसील यकीनी बनाई जाएगी। इंतजामिया मुस्तक खानदानों तक खुद पहुँचेगी। खुश्क राशन ना मिलने की सूरत में मुतलका असिस्टेंट कमिश्नर से रब्ता किया जा सकेगा। उन्होंने कहा है कि पैकेज में 10 किलो आटा, 2 किलो चीनी, 2 किलो बेसन, 2 किलो घी और 2 किलो चावल राशन शामिल है। अशिया खुर्दनोश का मयार चेक करने के लिए पैकिंग सेंटर पर फूड अथॉरिटी को जिम्मेदारी सौंप दी गई है। गैर मयारी खुश्क राशन किसी भी सूरत नहीं दिया जाएगा। खबर शामिल करते हैं लियाकतपुर से। महकमा हाईवे की मुबैना सरपरस्ती बरसाती नाले के प्रोजेक्ट में एक बार फिर मुबैना करप्शन। नाले पर स्लैब डालने की मटेरियल में सीमेंट की नस्बत रेत और बजरी का बेतहाशा इस्तेमाल किया जा रहा है। आइए जानते हैं हमारे नुमाइंदे तारिक महमूद शाद की इस रिपोर्ट में। लियाकतपुर अलाहाबाद रोड पर सड़कों की तामीर के बाद बरसाती नाले की तामीर का सिलसिला जारी है। महकमा हाईवे की मुबैना आशीर्वाद से ठेकेदार का करप्शन में
नहले पर दहला, पहले बरसाती नाले की तामीर में नाकिस से ईंट और मटेरियल का इस्तेमाल करके लाखों रुपए करप्शन की गई और अब बरसाती नाले पर स्लैब डालने की अमल में सीमेंट की नस्बत रेत और बजरी का बेतहाशा इस्तेमाल करके करप्शन का बाजार गर्म किया हुआ है। साइट इंचार्ज और महकमा निगरान की मौजूदगी में 50% सीमेंट का कम इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसके बाद न सिर्फ नाकिस स्लैब डाली जा रही है बल्कि कौमी खजाने को भी लाखों रुपए का टीका लगाया जा रहा है। मीडिया की निशानदेही के बावजूद महकमा की खामोशी दाल में काला होने की तरफ इशारा कर रही है। अरबाब अख्तियार को चाहिए कि फौरी तौर पर नोटिस लेकर कौमी खजाने पर डाका मारने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। खबर शामिल करते हैं बंगला कोगेरा से, जहाँ से हमारे नुमाइंदा राशिद अली की रिपोर्ट के मुताबिक सालाना उर्स मुबारक पीर सैयद मीरा मुर्तजा बुखारी के मौका पर शमाइस वॉलीबॉल ओपन मैच करवाया गया, जिसमें खसूसी अमल सैयद अदील हैदर साबरी आस्ताना आलिया हुजरा साबरी सैयद अली मर्दान बुखारी आस्ताना भुजियां शरीफ ने की। इस मैच को वट्टू फैमिली ने ऑर्गेनाइज किया, जिसमें सीनियर जर्नलिस्ट हाजी मोहम्मद अरशद वट्टू, जमीरुल हसन वट्टू और मोहम्मद नवाज शाहीन वट्टू इस मैच को ऑर्गेनाइज करने में सरफहरिस्त नजर आए। खसूसी शिरकत हाजी मोहम्मद अली वट्टू, फौजी मोहम्मद अली वट्टू और दीगर मौजूदीन ने की। इस मैच की शानदार कमेंट्री डॉक्टर अनवर हुसैन वट्टू ने की। लोगों ने कामयाब मैच करवाने पर दिली मुबारकबाद पेश की। पर शामिल करते हैं मीहर से, हमारे नुमाइंदे इम्तियाज मीर की रिपोर्ट के मुताबिक मीहर बेहतरीन शख्सियत के मालिक 15 इंचार्ज सोडर सोलंगी मीडिया से बात करते हुए कहा है कि एसएसपी दादू शबीर अहमद सेठार साहब के हुक्म पर मीहर शहर में अमन अमान बेहतर किया गया है और आवाम के साथ हमेशा साथ रहे, दिन रात ड्यूटी में रुजू करते हैं। शहर के मुख्तलिफ जगहों पर 15 पुलिस शहरियों के लिए गश्त कर रही है और इनका मजीद कहना था कि हम आवाम की जान और माल की हिफाजत के लिए 24 घंटे ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं और किसी भी जगह पर कोई मसला हो मीहर सिटी 15 इंचार्ज सोडर सोलंगी के साथ राबता कर सकते हैं और इनका मजीद कहना था कि हम हर हाल में आवाम के साथ खड़े हैं, अगर किसी को भी किसी भी वक्त हमारी जरूरत पड़े तो हम आवाम के साथ हैं। खबर शामिल करते हैं डहरकी से, डहरकी में महंगाई का जिन माह मुकदस के आने से पहले ही बेकाबू होने लगा है, गरीब और मतवस्त तबका से सब्जी खरीदना भी मुश्किल हो गया है। मजीद तफसीलात जानते हैं अली रजा सोमरू की इस रिपोर्ट में। माह मुकदस का महीना आने से कबल ही अशिया खोर दोनों की कीमतों के साथ सब्जियों के रेट भी आसमानों से बातें करने लगे हैं। सब्जियों में सब्ज मसाला जात जो कि हर सालन का जज समझा जाने वाला प्याज भी 150 से 200 तक पहुँच गया है और दीगर सब्जियां भी सेंचुरी क्रॉस कर चुकी हैं। शहरियों का कहना है कि माह रमज़ान आ रहा है तो माह रमज़ान में जो गरीब बंदा है तो जाए कहाँ। सब्जियों के रेट इन्होंने हाई इतने किए हुए हैं हद से ज़्यादा। जो आलू 20 रुपये मिलता था वो आलू इस टाइम 50 से 60 रुपये से ऊपर मिल रहा है। ये इंतज़ामिया को चाहिए कि जितना हो सके मार्केट का विज़िट करें, तो मार्केट का वो विज़िट करते ही नहीं है। मार्केट का विज़िट करेंगे तो उनको पता चलेगा कि भाई सब्जियों का रेट कितना है, क्योंकि जो गरीब है वो सब्जी खाएगा। भाई बात ये है कि हम हुकूमत पाकिस्तान को इल्तिजा करते हैं कि महंगाई का अरूज बढ़ गया है और रमज़ान शरीफ आया भी नहीं, तमाम एशिया जो ना हमारी गरीब की पहुँच मजदूर की पहुँच से ऊपर चला गया है। सब्जियों का रेट भी देखो, दुकानदारों में जाओ वो हर रोज़ जो ना 10 रुपये 20 रुपये घी का ऊपर कर रहे हैं, चीनी 140 रुपये हो गई है। यहाँ कोई गरीब का पुरसा हाल नहीं है। सब्जियाँ दिन ब दिन रेट बढ़ रहा है मंडियों में और कोई मंडी में पूछने वाला कोई भी नहीं है। जो इंतजामिया डहरकी की है वो अपने आप तक महदूद हैं, वो बाहर निकलती नहीं है। जाकर वो कोई कुछ नज़म व ज़ब्त करेंगे तो ये हाल होगा, रमज़ान शरीफ में कुछ न कुछ एशिया पे काबू पाया जाएगा महंगाई पे। दूसरे जानब ठेले वालों का यही कहना है कि हमें सब्जी मंडी से भी महंगी मिलती है तो हम सस्ती कैसे बेचेंगे। मंडी से माल महंगा होता है भाई, हम तो कोशिश करते हैं सौदा सस्ता जलाएं, ऊपर से माह रमजान भी आ रहा है, हम तो महंगा मिलेगा तो महंगा भी जलाएंगे। खाने का बंदा कोई भी नजर नहीं आ रहा भाई। डेरकी के शहरियों का जिला इंतजामिया से मुतालबा है कि सब्जियों की कीमतों पर काबू पाया जाए ताकि माह मुकद्दस में भी दूसरी चीज़ों के साथ सब्जियां भी सस्ती हो सके और हम खरीद कर सकें। कैमरामैन जुबेर अली के साथ अली रजा सुमरो, आन न्यूज डेरकी। सीसीपीओ लाहौर और डीआईजी ऑपरेशंस की हिदायत पर सदर डिवीजन पुलिस का गैर कानूनी असलाह और इसकी नुमाइश करने वालों के गिर्द घेरा तंग कर दिया गया। चौंग पुलिस का क्रैकडाउन, दो मुलजमान असलाह समेत गिरफ्तार कर लिया गया। थाना चौंग पुलिस ने कार्रवाई करते हुए दो मुलजमान के कब्जा से गैर कानूनी असलाह, दो क्लाशनकोफ मैगजीन और गोलियां बरामद करके इनको गिरफ्तार कर लिया। मुलजमान पाबंदी के बावजूद असलाह लेकर घूम रहे थे, पुलिस ने धर लिया। गिरफ्तार मुलजमान में अजीजुल्ला और मिर्जा जुबैर लतीफ शामिल हैं। एसपी सदर सिदरा खान ने एसएचओ चौंग नासिर हमीद और इनकी टीम को शाबाश दी। उन्होंने कहा कि गैर कानूनी असलाह और इसकी नुमाइश करने वालों को फौरी गिरफ्तार किया जा रहा है।
शामिल करते हैं नारोवाल से ब्यूरो चीफ हाफिज अब्बास हैदर से डिप्टी कमिश्नर नारोवाल सैयद हसन रजा की जेर सदारत डिस्ट्रिक्ट एडवाइजरी टास्क फोर्स कमेटी का इजलास। इजलास में खाद की मौजूदा सूरत हाल के अलावा काश्तकारान के मसाइल के हवाले से डी डी ज़रात समेत महकमा लाइव स्टॉक इस्लाह पाशी और प्लांट प्रोटेक्शन के अफसरान की तरफ से डिप्टी कमिश्नर नारोवाल को ब्रीफिंग दी गई। डिप्टी कमिश्नर नारोवाल ने इस मौके पर कहा है कि पंजाब हुकूमत काश्तकारों के हाथ मजबूत करने और इन्हें ज्यादा से ज्यादा सहूलियात फराहम करने के लिए अमल इकदाम कर रही है। ज़रात के शोबे को मजबूत और मुस्तकम बनाना हुकूमत की अवलिन तरजीह है। डिप्टी कमिश्नर नारोवाल ने कहा है कि शोबा ज़रात की तरक्की में काश्तकारों के किरदार को फरामोश नहीं किया जा सकता। इजलास में एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू अजीम शौकत, ADCG हाफिज इरफान हमीद, DD ज़रात उसी तनवीर अहमद ततला, असिस्टेंट डायरेक्टर्स ज़रात हेडक्वार्टर एहसानुल हक मनु दीगर ने इजलास में शिरकत की। इजलास में डिस्ट्रिक्ट एडवाइजरी और डिस्ट्रिक्ट टास्क फोर्स के हवाले से महकमा ज़रात की तरफ से की जाने वाली कार्रवाइयों के हवाले से DD ज़रात तसीन ने डिप्टी कमिश्नर नारोवाल को ब्रीफिंग देते हुए बताया है कि महकमा ज़रात की टास्क फोर्स टीमें भरपूर तरीके से काम कर रही हैं। इस सिलसिले में अवामी शिकायात पर ज़िला भर में मुख्तलिफ मकामात से 182 खादों के नमूने लिए गए जिन्हें मुतल्लिका लेबॉरेटरी भिजवा दिया गया, जिनमें अब तक 92 नमूना जात के रिजल्ट मौसूल हुए हैं जिनमें 60 फिट जबकि 32 को अनफिट करार दिया गया है, जिसके तहत मुतल्लिका खाद डीलर्स के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिए गए हैं। DD ज़रात ने बताया है कि यूरिया खाद की फरोख्त के ओवर चार्जिंग के हवाले से जारी मुहिम के तहत मजमूई तौर पर 38,17,000 जुर्माना किया गया है और 21 मुकदमा दर्ज किए गए हैं। डिप्टी डायरेक्टर ज़रात ने बताया है कि किसानों को दरपेश मसाइल के लिए महकमा ज़रात अपने तमाम वसाइल बरोए कार ला रहे हैं। खबर शामिल करते हैं नारोवाल से, ब्यूरो चीफ हाफिज अब्बास हैदर की रिपोर्ट के मुताबिक नारोवाल DPO नारोवाल राना ताहिर अहमद खान की सरबराही में नारोवाल पुलिस का स्मार्ट दुश्मन नासिर के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। तफसीलात के मुताबिक DSP जफरवाल की निगरानी में SHO थाना जफरवाल ने मंशियात फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन में मुलजिम के कब्जा से 1 किलो 420 ग्राम चर्स बरामद कर ली। DSP शकरगढ़ की निगरानी में SHO थाना सदर शकरगढ़ ने मंशियात फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन मुलजिम के कब्जा से 1 किलो 120 ग्राम चर्स बरामद कर ली। DSP हेडक्वार्टर की निगरानी में SHO थाना सिटी नारोवाल ने नजायज असला होल्डर्स के खिलाफ क्रैकडाउन, मुलजिम के कब्जा से पिस्टल 30 बोर बरामद कर लिया। तमाम मुलजमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके पाबंद सलासल कर दिया। DPO नारोवाल राना ताहिर अहमद खान ने कहा है कि जिला नारोवाल से स्मार्ट दुश्मन नासिर का खात्मा करना मेरा मिशन है और इस मिशन की तकमील में नारोवाल पुलिस के तमाम अफसरान और मुलाजमान हमदन कोशा हैं। वज़ीर आला पंजाब की खसूसी हिदायत पर माशरे में औरतों, बच्चों, ट्रांसजेंडर और बुजुर्गों के खिलाफ हरासगी या तशद्दुद की रोकथाम के लिए खसूसी मुहिम चलाई जा रही है। अगर आप दौरान सफर हरासगी या तशद्दुद का शिकार हों तो फौरी तौर पर पंजाब हाईवे पेट्रोलिंग की हेल्पलाइन 1124 पर इतला दें। तफसील जानते हैं मरीद के से हमारे नुमाइंदे इमरान अली भट्टी से। जी इमरान, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी, तफसीलात के मुताबिक वज़ीर आला पंजाब की खसूसी हदायत पर माशरे में औरतों, बच्चों, ट्रांसजेंडर और बुजुर्गों के खिलाफ हरासगी या तशद्दुद की रोकथाम के लिए एक खसूसी मुहिम चलाई जा रही है जिसका मोटो है नेवर अगेन। इस सिलसिला में पंजाब के हाईवेज पर दुराने सफर अगर आप माशरे के इन कमजोर तबकात के खिलाफ तशद्दुद या हरासगी का वाकया देखें या खुद इसका शिकार हों तो फौरी तौर पर पंजाब हाईवे पेट्रोलिंग पुलिस की हेल्पलाइन 1124 पर इतला दें। पंजाब हाईवे पेट्रोलिंग पुलिस ना सिर्फ मुलजमान के खिलाफ फौरी तौर पर कार्रवाई अमल में लाएगी बल्कि आपका तहफ्फुज भी यकीनी बनाएगी। कैमरामैन टीम के साथ इमरान अली, ऑन न्यूज मरीद के। 10वें JA समान मेमोरियल ओपन गल्फ टाइटल चैंपियनशिप का टाइटल लाहौर रॉयल पाम गल्फ क्लब के अहमद बेग ने जीत लिया। इतवार के रोज़ लाहौर जिमखाना गल्फ कोर्स में अख्तिताम पसीर होने वाले इस इवेंट में अहमद बेग की शानदार महारत खास तौर पर मुकाबले के आखिरी 3 होल्स में नुमाया रही। चैंपियनशिप में 7.5 मिलियन रुपये के इनामी पोल और होल इन वन के लिए एक हैवल कार थी जिसने 103 आला गल्फ पेशावर अफराद और 7 इजाफी कैटेगरीज के हरीफों को रागब किया। अहमद बेग ने नामवर गोल्फर्स से सख्त मुकाबले के बाद 16वें हॉल पर काप के साथ फैसला कौन बरतरी हासिल। इसके बाद 17वें और 18वें बर्डीज ने 280 के मजमू स्कोर के साथ टाइटल अपने नाम कर लिया जबकि शाहजेब खान, टीपू राजा और हुसैन हामिद ने इमेच्योर कैटेगरी में पहली, दूसरी और तीसरी पोजीशन हासिल की। चैंपियनशिप के अख्ताम पर लाहौर जिमखाना गोल्फ क्लब में एक अजीम शान इनामी तकसीम की तकरीब मुनाकिद की गई।